मुझे लगता है प्यार करोगे तो ही प्यार बांट पाओगे दूसरों को, नहीं तो खुद को ही नहीं प्यार करोगे तो दुखी रहोगे, तो दूसरों को भी दुखी करोगे अपनी लाइफ में। हमेशा से कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, लोगों ने बहुत लो करने की कोशिश की है मेरा कॉन्फिडेंस, अरे ऐसे नहीं ऐसे। बट जब आप आज अपने आप को देखती हो वो शहनाज को, तो क्या कहना चाहोगे? यू आर द बेस्ट। तब ये कॉन्फिडेंस, तब भी इतना ही कॉन्फिडेंस था? हमेशा से कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, लोगों ने बहुत लो करने की कोशिश की है मेरा कॉन्फिडेंस, अरे ऐसे नहीं ऐसे। बट आई बिलीव इन रूल नंबर वन, दैट बाढ़ में गए जो तुम्हारे बारे में गंदा सोचते। हर किसी के पास ना जीने के लिए सपनों की बहुत ज़रूरत होती है, और आज भारत में अगर आप किसी से भी पूछे तो सपनों का दूसरा नाम शहनाज गिल है, क्योंकि वो सपने जीती भी है और सपने देखती भी है बेबाक तरीके से। आज हमारे साथ बीबीसी हिंदी में जुड़ चुकी है शहनाज, फाइनली, और सपने तोड़ भी देती है। किसके सपने तोड़े तुमने? कुछ आपके? भी नहीं, मेरे सपने कुछ नहीं टूटे, क्योंकि आपने मुझे बोला था ना थोड़े दिन पहले कि इंटरव्यू करते हैं, तो मैंने नहीं की थी, तो इसलिए आपके। हाँ देखा, ये दिस इज ऑन कैमरा गाइस। बचपन में शहनाज ऐसी ही थी, पढ़ाई में कैसी थी और ऐसी ही थी, एक्टिंग करनी थी, ड्रामेटिक थी? हाँ, हमेशा से। अब तो फिर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है शहनाज गिल, बट पहले तो बहुत ही पागल थी। क्या क्या करती थी? क्या क्या करती थी? पागलों वाली हरकतें करती थी, अलग लेवल थी। मतलब क्या? मतलब यार मजा आता आपको मिलके। आईने के सामने डांस करना एंड ऑल दैट? अरे बहुत, आईने के सामने क्या, खुद खुद को प्यार करने वाली लड़की वो। पर अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर पाओगे, ये बात तो सच है। क्या आपको ये लगता है सच है? ऑफ कोर्स, ये मेरा ही डायलॉग तूने मेरे मुंह पे मार दिया। एक्सक्यूज मी, बट ये एक और जन ने बोला है, हमारे दोनों के बहुत चहेते एक इंसान ने, शाहरुख खान ने, डियर जिंदगी में। शहनाज, जब भी आपके बारे में बात किया जाता है, अभी आपको पूरा देश जानता है, यू नो ग्लोबली पीपल गूगल सर्च पे आप सबसे ज्यादा ट्रेंड पे रहती हो, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब कोई शहनाज को नहीं जानता था, राइट? और आपने बहुत सारे ऐसे मतलब हालातों के साथ जूझा है जब आप यहाँ पे आगे। किस उम्र में आपने डिसाइड किया कि आप वो सब कुछ छोड़ के यहाँ भाग के आ जाओगी? भाग के मैं इसलिए आगे क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत थे और वो घर पूरे नहीं होने थे, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास वालों की फैमिली ऐसी होती है कि शादी कर दो। और जब मैं ये सुन रही थी कानों से कि इसकी शादी कर दो, ऐसे कर दो, मैंने कहा लेट्स रन रन। और अकेले, एक तो होता लड़के के साथ भागना, मैं अकेली भाग। ये कब की बात है, मतलब कितने तब की बात है? जब अभी कितने साल हो गए मुझे, अभी साल मत गिनाओ। मैंने ना एक आपके बिग बॉस आपका इंटरव्यू करने के बाद एक गाना देखा है जहाँ पे मैंने अचानक शहनाज को देखा है, हली हली गिद्दे विच नच। ये उस टाइम की बात है, उसके बाद? उससे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। शहनाज, जब आप यहाँ पे आ गई किसी के भी बिना हेल्प के, यहाँ पे नहीं आई मैं, पंजाब चंडीगढ़, हाँ, तो वहाँ पे कितना मुश्किल हुआ पहले रहने को? मुश्किल सच्ची बोलूँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एंड बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं अजीब अजीब से। बट अच्छा है मैं भागी, अगर मैं नहीं भागती तो मैं इतनी स्ट्रांग कभी भी ना होती। घर पे प्रोटेक्टिव और पैम्पर्ड एनवायरनमेंट था, इसलिए ज़्यादा ही था कुछ, इसीलिए भागना पड़ा। एक टाइम ऐसा था जब आपने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चालू किया था कि आपको सेकंड लीड। आज वो नजरिया बदल गया है लोगों के लिए, पहले ऐसे नजरिया होता था कि सेकंड लीड नहीं है। आपने कितना ये सुना है पहले? सेकंड लीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो स्टीरियोटाइप कर देते हैं पर, वो लोगों की सोच है। हाँ, ये सेकंड लीड है, ये थर्ड लीड है, ये फोर्थ लीड है, ऐसा कुछ नहीं होता। कैरेक्टर्स होते हैं, एक अकेला बंदा जहाँ तो अकेली मूवी बना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, कि मैं अकेली खड़ी होगी, मेरे नाम पे मूवी बन जाएगी जो मुझे कोई और नहीं चाहिए। कैरेक्टर्स तो तुम्हें, हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अकेली तो नहीं बोल सकती ना, तो हम दोनों बात करें तभी अच्छा लग रहा है ना, ग्रेसफुल लग रहा है। तो कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी काम हो, वो छोटा जब बड़ा नहीं होता, चाहे सेकेंड लीड करो चाहे थर्ड लीड करो, ऐसा करो कि तुम दिखो। ये जो आपने पूरा एक मेकओवर किया है अपने तरफ से, हिंदी बोलो या फिर आपकी भाषा, जैसे मैंने कहा आपके लुक, आपके बॉडी टाइप पे, कभी कि ऐसा कभी हुआ है कि आपको कमेंट मिले इसके लिए आपने चेंज किया, फिर अपने अपने तरीके से किया? मैंने अपने तरीके से किया है और मेरा मन किया, मैंने इसलिए किया। तो कितना टाइम लगा आपको ये पूरा? यार एक साल तो लगता है, मैंने लॉकडाउन में किया था। और कुछ मतलब कंट्रोल, मतलब एकदम पूरा इतना कंट्रोल किया, खाने पे करना पड़ता है, पूरा सात्विक खाना खाया मैंने,
अच्छी चीज़ है जो कि बिल्कुल दाल भी बिना ही प्याज के, बिना हर चीज़, मतलब देसी घी है ना, और सब थोड़ा बंद कर देता है, थोड़ा थोड़ा खाती थी, अपना पेट छोटा किया ऐसे जितना तुम कम खाओगे ना तुम्हारा पेट भी श्रिंक होता जाएगा, तो उस हिसाब से। बट तीन ऐसे लोग जिनके साथ आप काम, शहनाज गिल काम करना चाहती है मेन लीड पे, हाँ। रणबीर कपूर, फिर मैं अच्छी लग सकती हूँ शाहिद कपूर के साथ, मुझे लगता है मैं बहुत क्यूट लगूंगी उसके साथ। विक्की कौशल, विक्की कौशल इज अ क्राउड फेवरेट, आपको लोग किस तरीके से याद रखे? यार ऐसा कुछ नहीं है, मत भी रखो याद, बस ये है कि जितनी देर जीवित हूँ ना लाइफ में, जितनी देर जिंदा हूँ, बस मेरे काम, जो भी मैं काम करती हूँ उसको इज्जत देते रहो, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे एडवाइस दे देना, तो बाकी उसके बाद मैं जब चली जाऊँगी तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है इस दुनिया में।